नमस्कार दोस्तों, तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, मेरे पास ये स्टीरियो आया है ब्लूफोन का, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम है, कस्टमर बोल रहा है ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये इसको हम रिपेयर भी करेंगे, इसमें ब्लूटूथ भी लगाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये इसमें देखिए इस तरह का है, इस तरह का इधर सॉकेट है और यहाँ पे आउटपुट है, ठीक है। यहाँ पे बेस ट्यूब लगाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो गारंटी का सील है वो अभी तक नहीं टूटा है, या अभी तक किसी ने इसको छेड़ा भी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम आज रिपेयर करने वाले हैं। चैनल पे रहिए, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। इसको हम देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, और इसको रिपेयर भी करते हैं। तो चैनल में बने रहिए दोस्तों, और देखते रहिए। हम पहले कैमरे को सेट कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है, ये मेड इन चाइना का है, ठीक है। और इसका मॉडल नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो इसको हम पहले खोल के, इसमें देखिए ये जो कनेक्शन है, ये सॉकेट हमारे पास कस्टमर ने नहीं दिया, तो हम यहाँ पे अंदर से इसमें कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के बाद हम देखेंगे ये ऑन क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए, इसको हम खोल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका सीडी चेंजर है, ये भी खोल लेते हैं। तो ये देखिए इसका बोर्ड किस तरह का है, ये इस तरह का है, और बाहर देखिए इस तरह का है। तो यहाँ पे हमको जो है कनेक्शन, पहले बैटरी कनेक्शन लगाना है, और बैटरी कनेक्शन कहाँ कहाँ देना है यहाँ पे दोस्तों लिखा भी है। यहाँ पे देखिए, और हम इसमें तो पहले जो है यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेते हैं। सोल्डरिंग करके जो है हमने बैटरी कनेक्शन निकाल लेना है। यहाँ पे सोल्डरिंग करते हैं, और कहाँ पे सोल्डरिंग करना है हम आपको दिखाएंगे। तो ये जो कनेक्शन है, ये वाला, ये दोस्तों यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ पे बैटरी कनेक्शन डायरेक्ट, और जो है ये वाला पॉइंट में हमें स्विचिंग कनेक्शन है, ठीक है। और ये वाला है ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। ये किस तरह से हमने कनेक्शन किया, अब देखिए। तो ये दोनों कनेक्शन हमारा एक ही है, ठीक है। और ये वाला होता है, ये वाला ग्राउंड है। तो हमने, हमारे दूसरा कलर का वायर नहीं है, तो हमने इसमें ब्लू कलर है, ब्लू कलर का ही लगा दिया। तो ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाला पॉइंट में हम पॉजिटिव लगा देंगे, जो कि ये पॉजिटिव लाइन है, ये पॉजिटिव हो गया। और ये वाला पॉइंट में हमारा नेगेटिव है, तो हमने नेगेटिव कनेक्शन कर दिया। तो और अभी हम इसमें लाइन देते हैं, ये हमने लाइन ऑन कर दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है सारा ब्लिंकिंग कर रहा है, ऑन नहीं हो रहा, ठीक है, ये ऑन नहीं हो रहा, ये ऑन नहीं है, कोई बटन इसमें काम नहीं कर रहा। तो इसमें देखते हैं क्या दिक्कत है। देखिए ऑन नहीं हो रहा, इसका ओपन क्लोज है, यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको रिपेयर करते हैं, और इसमें क्यों ऑन नहीं हो रहा, तो पहले हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे, और वोल्टेज कैसे चेक करना है वो हम आपको दिखाते हैं। तो हमने पहले जो है मीटर को, मीटर से हमको जो है वोल्टेज चेक करना है, क्या क्या वोल्टेज इसमें आ रहा है और क्या क्या बन रहा है,
इसमें हमने ये वाला पॉइंट में ग्राउंड पकड़ लिया। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों हमारा वोल्टेज जो है मेन हमने जो सप्लाई दिया वो ठीक से आ रहा है कि नहीं। यह पे देखिए 12 वोल्ट इधर आ रहा है एक पॉइंट, और ये वाला पॉइंट जो है इसमें जो है स्विचिंग कनेक्शन इसमें भी 12 वोल्ट आ रहा है। तो ये 12 वोल्ट कहाँ गया, यहाँ पे देखिए छोटा सा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 12 वोल्ट इन हो रहा है और आउटपुट में यहाँ पे भी वोल्टेज है, ठीक है। तो ये वाला वोल्टेज देखते हैं, यहाँ पे 11 वोल्ट है और यहाँ पे देखते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जितना सारा वोल्टेज है सब यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रहा है। हम आपको एनालॉग मीटर से दिखाते हैं, ये वाला हमारा एनालॉग मीटर है, इसका जो इसमें जो वोल्टेज आपको दिखाई देगा ये वाला जो मीटर का जो ये है ना, इसमें देखते हैं आपको दिखाते हैं। ये हमने ग्राउंड पकड़ लिया और इसमें देखते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रहा है और जितना भी वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है ये वाला हमारा 8-9 वोल्ट का सप्लाई है, यहाँ पे भी ब्लिंकिंग हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे ब्लिंकिंग नहीं है, यहाँ पे ब्लिंकिंग पूरा हो रहा है। तो इस पॉइंट पे देखते हैं यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रहा है थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे पूरा ब्लिंकिंग हो रहा है। और ये वाला जो होता है, इनपुट में हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है, 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है इसमें से देखिए ब्लिंकिंग हो रहा है, तो इसके कारण जो है ये यहाँ पे लाइटिंग जो है यहाँ पे ये भी ब्लिंकिंग हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे इस पैनल पे जो है पैनल जो है ऑन नहीं हो रहा, तो इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे जितना सारा वोल्टेज बन रहा है सब में ब्लिंकिंग हो रहा है। ये देखिए दोस्तों ये 5 वोल्ट ब्लिंकिंग है, यहाँ पे ये ब्लिंकिंग नहीं है, यहाँ पे ये भी नहीं है, मेन वोल्टेज दोस्तों ब्लिंकिंग आ रहा है, ये देखिए कितना वोल्टेज ब्लिंकिंग हो रहा है। ये सारा वोल्टेज जो है हमारा ब्लिंकिंग कर रहा है, इसके कारण जो है ये ऑन नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे रेड लाइट अभी भी ब्लिंकिंग में है, देखिए देखिए पूरी तरह से ये ब्लिंकिंग, उसमें हम चेक करके देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज ब्लिंकिंग हो रहा है, सारा वोल्टेज जो है ब्लिंकिंग हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों पूरी तरह से ब्लिंक हो रहा है। ये वाला पॉइंट इस पे आया, इस पे आकर के इस पे आया और ये वाला रेगुलेटर में जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट का एक रेगुलेटर है, देखिए यहाँ पे जो है एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, देखिए ये, और ये वाला इधर में है BD4635, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है छोटा सा, इसमें भी ब्लिंकिंग हो रहा है। और ये वाला रेगुलेटर जो है 5 वोल्ट, इसमें 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं हम दिखाते हैं, देखिए दोस्तों इनपुट में 5 वोल्ट ब्लिंकिंग हो रहा है, ये इसमें भी आउटपुट में भी ब्लिंकिंग हो रहा है। तो ये जो सारा ब्लिंकिंग आ रहा है 21 बजे से आ रहा है, ये हमको ढूंढ के निकालना है।
तो यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे अभी अभी भी ब्लिंकिंग कर रहा है दोस्तों, ये देखिए अभी भी ब्लिंकिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हम जगह दिखाते हैं आपको, ये देखिए दोस्तों ये ऑन हो गया है, ठीक है, ये ब्लिंकिंग अभी चला गया है, ये ब्लिंकिंग चला गया। तो यहाँ पे हम हाथ लगाया तो साथ साथ ये ऑन हो गया है। तो अभी इसको बंद करके देखते हैं फिर से ब्लिंकिंग आता है या नहीं। ये हमने इसमें बंद कर दिया, अभी इसमें प्लग इन करते हैं, देखिए फिर से इसमें ब्लिंकिंग आ गया। तो इसको कैसे ठीक करना है, जो हमने इधर हाथ लगाया ये चालू हो गया, फिर से इसमें हाथ लगाते हैं चालू होता है या नहीं। ये देखिए दोस्तों चालू हो गया, अब इसको छोड़ते हैं ये ठीक हो गया। तो इसमें हम एक सपोर्ट देंगे, यहाँ पे जो है कोई वोल्टेज हमारा मिसिंग हो रहा है, और कौन सा पॉइंट है हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको हम जूम भी कर देंगे, ये जो छोटा सा रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस में से फीडबैक लगता है ठीक से नहीं मिल रहा है, ये कोई भी इधर वोल्टेज नहीं है, इसमें है, इसमें है, यहाँ पे जो है स्विचिंग, यहाँ पे वोल्टेज ब्लिंकिंग हो रहा है। जब भी ये ब्लिंकिंग होता है तब इसमें जो है सारा ब्लिंकिंग दिखाई दे रहा है। तो अभी इसमें जो है ये ऑन है, ये ऑन है, तो इसको हम कैसे ऑन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको फीडबैक जो वोल्टेज है वो ठीक से नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे हम फीडबैक के लिए एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, रेजिस्टेंस लगा के हम देखेंगे, कम वैल्यू का रेजिस्टेंस हमको लगाना है, ठीक है। इसमें हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हमने इधर लगाना है, देखिए 12 12 के का रेजिस्टेंस हम लगा देंगे, यहाँ पे 12 के लिखा हुआ है, तो 12 के का एक रेजिस्टेंस हम इधर लगा के देखते हैं ये ठीक होता है या नहीं। ये वाला रेजिस्टेंस हम इधर लगा के दिखाएंगे, और कहाँ पे लगाना है वो हम आपको दिखाएंगे। पहले इसमें लगा के आपको चला के दिखाते हैं, यहाँ पे लगा दिया, और इस पॉइंट को हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हम अच्छे से सोल्डरिंग कर लेते हैं। ये हो गया, इसको अच्छे से सोल्डरिंग करना होगा। देखिए दोस्तों कहाँ पे हमने सोल्डरिंग किया है, हम आपको अच्छे से दिखाते हैं। ये हो गया सोल्डरिंग, और ये वाला पॉइंट जो है हम यहाँ पे लगा देंगे, ये हमने सोल्डरिंग इधर कर दिया है, और आपको दिखाते हैं कहाँ पे हमने इसको सोल्डरिंग किया है। ये देखिए इधर से हमने इधर सोल्डरिंग कर दिया। तो अभी इसको लाइन देके देखते हैं ये ऑन होता है ही नहीं, बंद करते हैं नहीं तो दिखाई नहीं देगा। ये हमने इसमें पावर दे दिया, देखिए दोस्तों अभी इसमें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ऑन हो चुका है, ठीक है, ये ऑन हो गया। ओके हो चुका है, ये सारा फंक्शन अभी काम करेगा, ये वॉल्यूम काम कर रहा है, सारा कुछ ओके हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया है, कौन सा रेजिस्टेंस है वो हमने आपको दिखा दिया दोस्तों, देखिए ये पूरी तरह से ऑन है। तो इसको हम फिर से इसमें बंद करते हैं, ये बंद हो गया, अभी गुड बाय दिखा रहा है, इसमें पावर ऑन करते हैं,
ये देखिए दोस्तों ओके हो चुका है। तो इसमें हम पहले इसका साउंड चेक करेंगे, साउंड इसमें है नहीं है या नहीं। तो इसमें हम स्पीकर कनेक्शन करेंगे पहले, जो है रेजिस्टेंस को हम सही से लगा लेते हैं, नहीं तो कहीं पे शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस को हम अच्छे से बिठा लेते हैं। ये रेजिस्टेंस को हमको छोटा करना होगा, छोटा करके इधर हम बढ़िया करके जितना सारा यूट्यूब पे जितने सारे चैनल है, दूसरा चैनल है दोस्तों, सब तो वीडियो बनाते हैं लेकिन कोई काम का वीडियो नहीं बनाते हैं। और हमारे चैनल में जितने सारे वीडियो है वो आपको बहुत फ़ायदा कराएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही चैनल पे बने रहिए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं, आपको बहुत काम आने वाले हैं। और हमने देखिए किस तरह से रेजिस्टेंस को इधर बिठा दिया, देखिए इस तरह से हमने एक रेजिस्टेंस को इधर बिठा दिया। ये अभी इसमें फिर से इसमें लाइन देते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं ठीक से, ये हो गया। इसमें लाइन देते हैं फिर से, ये देखिए दोस्तों ये ऑन हो चुका है। ठीक है, ये बिल्कुल ओके हो चुका है। अभी इसमें हम स्पीकर कनेक्शन कर देंगे और स्पीकर कनेक्शन करने के बाद ऑडियो चेक करेंगे, ये ऑडियो बराबर से मिल रहा है या नहीं, या इसमें और दिक्कत है। इसमें हम फिर इसमें हम ब्लूटूथ लगाएंगे, आपको दिखाते हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, इसके बारे में हम और एक बात बताने वाले हैं। वीडियो का अंत तक देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें हम पहले स्पीकर कनेक्शन कर लेते हैं, या फिर कोई सा भी कनेक्शन हम कर देंगे। ये हो गया, ये हमने इस तरह से स्पीकर कनेक्शन कर दिया है। ये ऑडियो भी इसमें है, तो यहाँ पे हमको ब्लूटूथ लगाना है। और ब्लूटूथ हम कहाँ पे लगाएंगे आपको दिखाएंगे, ठीक है देखते रहिए। तो हमने इसका देखिए ये वाला जो ऑक्स का जो सॉकेट है, यहाँ पे जब भी हम ऑक्स का पिन लगाते हैं तब जो है इसमें ऑक्स लिखा आता है। जब इसको ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए रेडियो मोड में है, अभी रेडियो मोड में है। यहाँ पे हम मोड चेंज करेंगे तो रेडियो नहीं, मतलब ऑक्स नहीं आएगा, ठीक है ऑक्स लिखा नहीं आएगा। जब इसमें ऑक्स का पिन डालेंगे तब भी जो है यहाँ पे ऑक्स लिखा आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमने यहाँ पे पिन डाल दिया, अभी इसमें ऑक्स लिखा आएगा। ये देखिए दोस्तों ऑक्स लिखा आ गया। तो ये समस्या क्या है, यहाँ पे एक स्विचिंग होता है, इस स्विचिंग को हमको शॉर्ट करना है। और कौन सा पॉइंट पे आपको स्विचिंग शॉर्ट करना है वो हम आपको दिखाएंगे, देखते रहिए दोस्तों, चैनल पे बने रहिए। और इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट हमको शॉर्ट करना है, अभी जो है इसमें ऑक्स का मोड आएगा, ठीक है ये ट्यूनर, ये ऑक्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे यूएसबी डालेंगे तो यूएसबी मोड आएगा। तो पहले इस पॉइंट को हमको शॉर्ट करना है, कौन सा पॉइंट शॉर्ट करना है आपको दिखाते हैं, देखते रहिए ठीक है। इसमें हमको ब्लूटूथ लगा के लास्ट में हम इसको दिखाएंगे, चैनल पे बने रहिए ठीक है। ब्लूटूथ लगा के हम आपको दिखाते हैं।
तो दोस्तों हमने देखिए ब्लूटूथ हमने इधर चिप्स को सारा कनेक्शन वगैरह दे दिया है, तो आपको दिखाते हैं जो अभी जो इसमें स्विचिंग वाला कनेक्शन, उसके बाद ऑडियो कनेक्शन हमने कहाँ से दिया वो हम आपको दिखाते हैं। ये हमने जो है इसको पावर दे दिया है, ठीक है, ये पावर आ गया है। तो यहाँ पे हमने इसमें ग्राउंड लगा दिया, मीटर की तरफ देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट में हमको मिल रहा है आई बोल्ट, ठीक है। तो इसको हम बंद करते हैं, देखिए दोस्तों ये 0 वोल्ट हो गया। इसको पावर ऑन करते हैं, फिर से इसमें 5 वोल्ट आ जाएगा, देखिए 5 वोल्ट आ गया, क्योंकि ये जो ब्लूटूथ है ये पावर ऑन करने से ही इसमें पावर आना चाहिए, अगर बंद रहेगा तो बंद होना चाहिए, ठीक है। इस तरह का फिटिंग करोगे तो ब्लूटूथ आपका ख़राब कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें अभी और एक कनेक्शन है, यहाँ पे देखिए हमने इसमें जो पिन है इसको डाला हुआ है, ये पिन इसको निकाल दिया तो इसमें रेडियो मोड आ गया। ये अभी ब्लूटूथ में नहीं जाएगा, इसको ऑप्शन ऑप्शन दबाइए नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कनेक्शन करना है, वो हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको इसमें साउंड सुना के दिखाएंगे, बजा के सुनाएंगे, ठीक है। तो ये कनेक्शन जो है आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको नज़दीक से धीरे से देखना होगा, ठीक है, ये कनेक्शन आप मिस मत कीजिए दोस्तों। ये कनेक्शन हम आपको जूम करके भी दिखा देंगे। तो पहले जो है इस तरह का एक कनेक्शन लेना है, एक कनेक्शन लेना है, एक छोटा सा वायर लेना है, उसमें कहाँ पे आपको कनेक्शन करना है वो हम आपको दिखाते हैं, बढ़िया से देखिएगा दोस्तों। ये जो सॉकेट है दोस्तों, इस सॉकेट में 4 पॉइंट होता है, इधर 3 और इधर 1, ठीक है। ये 4 पॉइंट हमको जो है इस तरफ से, यहाँ पे जो ग्राउंड पॉइंट है, इस ग्राउंड पॉइंट को हमको सोल्डिंग कर देना है, और कहाँ पे लगाना है अच्छे से सोल्डिंग करना होगा। सोल्डिंग अभी तक हुआ नहीं है, ये सोल्डिंग हो गया दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए ये वाला पॉइंट में हमने सोल्डरिंग किया हुआ है। और इसको जो है कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे ले करके इस पॉइंट पे हमको सोल्डरिंग कर देना है। इसमें कनेक्शन का होने के बाद साथ साथ देखेगा ब्लूटूथ का जो कनेक्ट होने का जो साउंड है वो चलाएगा, ये बॉक्स में चला गया है, इसमें अभी ब्लूटूथ ऑप्शन में आ गया, ठीक है, ये ब्लूटूथ ऑप्शन में आ गया। अभी देखिए इसमें अभी ऑक्स लिखा आ रहा है, ठीक है, ये पिन हमने नहीं डाला हुआ है, फिक्स ऑक्स लिखा आ रहा है, ठीक है। ये अभी ब्लूटूथ साउंड आपको सुनाएंगे, अभी कैसे साउंड आ रहा है इसमें, ये हमने इसको रख दिया। अब इसमें जो है हम कोई भी म्यूजिक प्ले करते हैं, तो दोस्तों सुनिए इसका म्यूजिक। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, ठीक है।